नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जेबी नॉलेज पर। दोस्तों, आप सभी लोग मध्य प्रदेश के 12वीं बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूँ कि आज आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें और खबर निकल कर आ रही है कि आज आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही बताऊंगा कि क्या आज आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर आज जारी नहीं किया जाता तो आपका जो रिजल्ट है किस तारीख को जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कल की न्यूज़ है। इसमें लिखा हुआ है कि 12वीं का रिजल्ट 25 को कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया होगी शुरू, क्योंकि दोस्तों कॉलेज वाले भी स्कूल पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप लोग जल्दी से जो है 12वीं का रिजल्ट जारी कीजिए, ताकि कॉलेज में जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसे सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और न्यूज़ बता देता हूँ। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने 27 जुलाई से करेगा अनिश्चितकालीन अनशन। दोस्तों, अब आप लोग कहेंगे कि इससे हमारे बोर्ड के रिजल्ट का क्या लेना देना, तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि 27 तारीख को सोमवार स्टार्ट हो जाता है, एवं सोमवार से मध्य प्रदेश का जो शिक्षक संघ है उसने निर्णय लिया है कि वे लोग अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। तो दोस्तों, इससे यह बात जो निकल कर आ रही है कि आज आपका 25 जुलाई को रिजल्ट जारी किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों जो सरकार है उसका फिर पूरा का पूरा ध्यान शिक्षक संघ खींचने वाला है कुछ दिनों के लिए, तो चांसेस बनते हैं कि आज आपका जो रिजल्ट है उसे जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज पूरे दिन आप लोग जो है यूट्यूब पर अपडेट रहिएगा, इसके साथ ही गूगल पर अपडेट रहिएगा, अपनी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपडेट रहिएगा, क्योंकि किसी भी टाइम आप लोगों का जो रिजल्ट है उसे जारी किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, मैंने आपको बता दिया 27 जुलाई से जो है यानी कि सोमवार से अनिश्चितकालीन अनशन करने जा रहे हैं सभी शिक्षक। चलिए दोस्तों, एक और न्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। इस न्यूज़ में आप लोग देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से अभी 12वीं कक्षा के नतीजे को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच कहा जा रहा है कि बोर्ड इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक 12वीं कक्षा के नतीजे जारी कर सकता है। हालांकि बोर्ड ने रिजल्ट की घोषणा को लेकर निश्चित तारीख अभी तक नहीं की है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते तक जारी किया जा सकता है। बहुत बार खबर निकल कर आ रही थी कि आपका जो रिजल्ट है अगस्त में भी किया जा सकता है जारी, लेकिन दोस्तों अभी तक जो डेट है वह क्लियर नहीं हुई है, तो मे बी आपका रिजल्ट अगस्त तक भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो आज की न्यूज़ निकल कर आई है उसमें बताया गया है कि इस सप्ताह या फिर अगले सप्ताह आपका जो रिजल्ट है उसे जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह सप्ताह जो आज खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक दिन बचा है इस सप्ताह को खत्म होने में, और अगला सप्ताह जो है 27 तारीख से स्टार्ट होगा, और 27 से मैंने आपको बता दिया मध्य प्रदेश में शिक्षक संघ है उन्होंने अनशन करना शुरू कर दिया है, वो मतलब 27 तारीख से अनशन करना शुरू कर देंगे। तो इस बीच हो सकता है कि आज आपका जो रिजल्ट है उससे जारी कर दिया जाए। दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा मैं आपको एक वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आपका जो रिजल्ट है उसे जारी कर दिया गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।